है गाइस, इसी तरह अरविंद। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास में फ़ोन है जो कि सैमसंग का F12 मॉडल नंबर है। और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है कि इस फ़ोन में सैमसंग अकाउंट जो होता है वो लॉक हो गया है। ठीक है, सैमसंग अकाउंट इसका डिलीट नहीं हो रहा है, रिमूव भी नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे हम जो है इरेज करते हैं और कैसे उसको रिसेट करते हैं और कैसे दूसरा MI अकाउंट लॉगिन करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कैसे इसको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि हम फ़ोन के अंदर अगर हमारा मान लीजिए हमने सेकंड हैंड फ़ोन लिया है और सैमसंग के फ़ोन में हम हमारा सैमसंग अकाउंट जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर रिसेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साइन आउट नहीं हो रहा है। अभी ये जो है कनेक्शन को रिक्वायर कर रहा है। अब कनेक्शन इसमें हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें जो है वाईफाई कनेक्ट करता हूँ और पासवर्ड मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने कनेक्ट कर लिया है और अभी हम जो है इसको साइन आउट करते हैं। तो देखिए ये क्या बताता है, ये एक जीमेल अकाउंट पर जो है SMS भेज रहा है, यानी कि कोड वो भेज रहा है जो प्रोसेस होती है। तो वो जीमेल अकाउंट अपने पास नहीं है और वो चालू नहीं है क्लाइंट के पास। तो अभी हमको क्या करना है कि इस फ़ोन का जो है सैमसंग अकाउंट जो लॉक हो गया है इसको रिमूव करना है और उसको क्लाइंट को इसमें दूसरा स्क्रीन लॉक जो है सेव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़ोन को चार्जिंग पर कनेक्ट करेंगे और फ़ोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन और वॉल्यूम आपको एक साथ दबाना है। ठीक है, ये जो पूरा ये जो ट्रिक है ये हम जब फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तभी वर्क करने वाली है। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम अगर करते हैं तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये सैमसंग का अपडेट मॉडल है और ये ये सैमसंग का F12 मॉडल है ना। तो इसमें जो है हमको चार्जिंग पर लगा कर ही ये प्रोसेस करना है पूरा। तो फर्स्ट मैं फ़ोन को एक बार ऑफ़ कर देता हूँ और पावर बटन को दबाना है और वॉल्यूम अप को दबाना है, चार्जिंग लगे रहना है फ़ोन में। ठीक है, जब चार्जिंग लगा रहेगा तभी ये जो है रिकवरी मोड पे जाएगा। तो हम इसको रिकवरी मोड पर लेके आते हैं। तो अभी जो है देख सकते हो सैमसंग का लोगो आया है और ये देख सकते हो यहाँ पर रिकवरी मोड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से हमको क्या करना है, ईज़िली जो है रीसेट कर देना है पूरा डाटा, फैक्ट्री रीसेट कर देना है। ठीक है, एक बार रीसेट कर देंगे फिर फ़ोन को हमको यहाँ पर जो है रिबूट करना है। तो अभी देखते हैं पूरा रीसेट होता है कि नहीं। देख सकते हो पूरा सक्सेस हो गया है और अभी फ़ोन को हम रिबूट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जब फ़ोन ऑन होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, तो मैंने इसको जो है 3 गुना स्पीड में कर दिया है ना, तो इससे आपका भी टाइम बचेगा। तो लंबा वीडियो को देखता नहीं है। तो गाइस, ये जो है आप सोच रहे होंगे काफ़ी आसान ट्रिक है, सभी फ़ोन्स तो जो है हो ही जाते हैं हार्ड रीसेट डायरेक्टली रिकवरी मोड तक। ये जो मॉडल हैं सैमसंग के अपडेट मॉडल्स, ये रिकवरी मोड पर ही नहीं जाते हैं, है ना। तो ये कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि इसको हमको पहले चार्जिंग पर लगाना होता है, उसके बाद हम इसको जो है वॉल्यूम। गाइस, अभी फ़ोन को पूरा ऑन होने देते हैं और उसके बाद हम मैं आपको चेक करवाऊँगा कि इसका जो सैमसंग अकाउंट है वो लॉग आउट हुआ है या नहीं हुआ है ना, क्योंकि इसको हमने सॉफ्टवेयर नहीं किया है। ठीक है, इसका कोई फ्लैशिंग नहीं की है, इसको सिर्फ हमने डायरेक्टली रिकवरी मोड पर लाकर इसको हार्ड रीसेट किया है ना। तो ये हार्ड रीसेट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और अभी फ़ोन ऑन हो रहा है तो फ़ोन को पूरा ऑन होने देते हैं, कुछ ही समय में ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद हम फिर पूरा जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सैमसंग अकाउंट है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए फ़ोन ऑन हो गया है और ये हमारा वेलकम वाला लोगो आ गया है। तो स्टार्ट करेंगे, सारी प्रोसेस हमको करना है यहाँ पर जो नॉर्मली सभी फ़ोन में करते हैं, स्किप करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये प्रोसेस भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसको भी मैंने जो है स्पीड में कर दिया है। तो यहाँ से डोंट कॉपी स्किप और नेक्स्ट करके हमको सब जो स्किप करना है वो स्किप कर देंगे, जो नेक्स्ट करना है वहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। वो पूरा प्रोसेस जो है हम ईज़िली बढ़ा लेंगे। यहाँ पर FRP वगैरह पर कहीं पर भी जो है फ़ोन अटकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है गाइज़, वीडियो अगर आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ।
अभी हमारा फ़ोन का पूरा प्रोसेस हो गया है। फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे और एक बार चेक करते हैं। देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग अकाउंट, यहाँ पर रिमूव हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट्स में भी आपको एक बार चेक करवा दूंगा मैं, एक मिनट, अकाउंट्स में आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर अकाउंट्स इसके बचे हैं या सभी अकाउंट्स डिलीट हो गए, क्योंकि इसमें सैमसंग अकाउंट जो है लॉगिन था और लॉग आउट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सैमसंग अकाउंट लॉगिन नहीं है, साइन आउट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ सपोर्ट करो और बने रहो हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।